हेलो फ्रेंड्स, गुड फ्राइडे के ऊपर नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन अपना है नाद ब्रह्म इडली, जो कि बरोबर के मार्केट के सामने है। तो यहाँ पे अपन अभी इडली टेस्ट करेंगे। यहाँ स्पेशल इडली का है, स्पेशल इडली, इडली का अलग इडली सांभर चटनी एंड चाय कॉफी। तो यहाँ पे अपन अभी इडली टेस्ट करके देखते हैं और आपको बोलेंगे कि यहाँ का कैसा लगा अपने को स्वाद। लेट्स मूव। एकदा करा टेस्ट सर्वात बेस्ट, एक बार करो टेस्ट सबसे बेस्ट। तो इस तरह से कुछ सर्व करते हैं। चलिए अपन एक बाइट लेके टेस्ट करेंगे और इसका ओपिनियन देंगे कैसा क्या लगता। परफेक्टली एक नंबर टेस्टी इडली, एक नंबर सॉफ्ट है, सॉफ्ट यानी उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी एक नंबर है। सांभर का टेस्ट एकदम जो साउथ इंडियन जैसा सांभर रहता है ना, सेम टू सेम वैसा लग रहा है। अभी अपन चटनी का भी थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगता है चटनी का। चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बस मैंने कहा हल्का मिठास बना रहा है, मिठास पर जिससे नहीं कहा वैसा जो उसका जो लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, बहुत भारी लग रही है। अब ओवरऑल एकदम बेस्ट, सबसे बेस्ट मतलब आज तक जितने बार भी भारी इडली खाई है ना, उसमें ये जो नाद ब्रह्म इडली सबसे बेस्ट लग रही है मेरे को अभी तो भी। यानी ओनली 10 रुपीज़ पर इडली है, तो इतना कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जो कुछ अपने को सर्व कर रहे हो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है, एकदम बेस्ट। अपने लिए थम्स अप, अपने तरफ से थम्स अप। उसी के साथ में यहाँ का जो एम्बियंस है ना, एम्बियंस भी जो अमाउंट अपन पे कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ का एम्बियंस, यहाँ की साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। यानी मेन पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इनका किचन, किचन कितना क्लीन है। किचन भी तुम यहाँ पे आगे जब चेक करेंगे ना, किचन इट इज़ मोस्ट क्लीन, मतलब बहुत बहुत हाइजीनिक किचन है। इसके लिए अपन यहाँ पे आके बिंदास खा सकते हैं। सांभर भी टेस्टी, चटनी भी टेस्टी, इडली भी टेस्टी, ओवरऑल बेस्ट पैकेज। यानी स्नैक्स बॉल का तो एक नंबर है, 30 रुपये में और क्या चाहिए। 3 इडली मिल रही, आधार मिल रहा, अच्छा बेस्ट। एक बार इनका किचन में देखो, लुक इनका कितना हाइजीनिक रहता है, एप्रिन वगैरह इतना हाइजीनिक किचन यूजुअली देखने को मिलता नहीं है किधर। फ्रेंचाइजी चाहिए रहेंगे तो ये फ्रेंचाइजी नंबर है। एक बार और लोकेशन बता दो तो, ये के मार्केट है, के मार्केट के बरोबर सामने नाद ब्रह्म इडली, इडली फॉर एवरीवन। वाह। तो अभी अपना रिव्यू, इडली बेस्ट थी, सांभर बेस्ट था, चटनी भी अच्छी थी, चटनी थोड़ी स्वीट लग रही थी, अच्छी लग रही थी, मतलब वो जो सांभर का टेस्ट था उसके साथ जारी की चटनी। दूसरी बात कितने स्टार, इसको मैं 5 में से नहीं क्या 4.5 4.5 स्टार दूंगा। अच्छा था एम्बियंस को भी 4.5 स्टार, क्योंकि अपन सिर्फ 10 रुपये पे कर रहे पर इडली, तो उसमें तुमको कुछ बड़ा 5 स्टार होटल तो मिलेंगे नहीं, तो उसकी सबसे भी अच्छा है भारी खानों के खाने का। यानी इडली के साइज़ भी ओके ओके थी, दो से तीन इडली मतलब 30 रुपये में पेट को सफिशियंट है, डेट्स ग्रेट। और कुछ नहीं, मतलब अपन जो अगर बाहर समोसा वड़ा पाव खाते वो ऑयली अनहेल्दी रहता, ये इडली का कैसा स्टीम रहता, हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती, तो डेट्स गुड। यानी किचन अच्छा था, मतलब आपने देखा क्लीन हाइजीनिक, एप्रिन मास्क हैंड ग्लोव वगैरह सब पहन के काम कर रहे थे, तो अच्छा है वो, मतलब साफ सफाई है, हाइजीनिक नेक्स्ट लेवल है, ग्रेट। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये, यानी सिर्फ यहाँ पे नहीं, पे नहीं, अगर आपको किधर भी नाद ब्रह्म इडली की अगर मिलता है किधर भी तो ज़रूर ट्राई करो। एक इडली को ना 10 रुपये पर इडली है, एक इडली ट्राई करो, दो इडली ट्राई करो, तीन इडली ट्राई करो, एकदम बेस्ट। 3 से ज़्यादा ये लोग पर प्लेट नहीं देते, 30 रुपीज़ 3 इडली, 20 रुपीज़ 2 इडली, 10 रुपीज़ पर इडली, तो ऐसा ही है इनका, डेट गुड। तो चलो आज का यहीं तक रखते हैं। तो खैर दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे
किसी और फूड डेस्टिनेशन या किसी और स्ट्रीट फूड के साथ। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, ईट हेल्दी, ईट गुड, बी सेफ, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।